जिले भर में शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। जिला के विभिन्न प्रखंडों में रविवार को शांतिपूर्ण माहौल में लगभग सभी दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया, जहां शहर स्थित विजयनगर, करहरिया, पुरानी ठाकुरबाड़ी, जगतपुर, गोरधवा, समूहगंज स्थित तेलिया मंदिर, अमरपुर, बाराहाट, बौसी आदि जगहों पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं सभी जगहों पर विसर्जन जुलूस में काफी संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल हुए। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर का टीका लगाकर माँ को विदाई दी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखे। इस दौरान प्रशासन के द्वारा सभी विसर्जन जुलूस में दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसे जिले भर में शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। एक छोटी सी बच्ची खो रही है जिसका नाम अनीक्षा, उसकी उम्र 5 साल की है। जिस किसी भी बच्चे से अनुरोध है, आराम आराम से धीरे धीरे करके प्रतिमा को रखें। धीरे धीरे प्रतिमा चांदनडे में हाट लगाने को लेकर मुखिया की अध्यक्षता में हुई बैठक गुरुवार और रविवार को लगाया जाएगा हाट। बौसी प्रखंड के सांपडहर पंचायत में चांदनडे पर हाट लगाने को लेकर मुखिया की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से मुखिया सरगुन यादव, हाट समिति के अध्यक्ष श्रीकांत यादव, विनोद कुमार साह, दिनेश ठाकुर, मुकेश चौधरी, उमेश चौधरी, राकेश कुमार, राजेश साह, झूलो मिश्र सहित आसपास के गांव के कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया तथा सर्वसम्मति से नया हाट लगाने का प्रस्ताव पारित किया। मुखिया सरगुन यादव ने कहा कि यह हाट सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और रविवार को लगाया जाएगा। मुखिया ने उपस्थित सभी लोगों से हाट का प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। नए हाट का शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये ग्रामीण लोगों से सूचना देना चाहता हूँ कि चांदन डैम में गुरुवार और रविवार को हटिया लगाना चाह रहे हैं हम लोग सभी लोग, सभी सहयोगी। आज दिनांक 13/10/2024 को प्रचार के रूप में सभी गाँव में जाके जानकारी दे रहे हैं। जानकारी देने के क्रम में सभी लोगों को कह रहे हैं कि इसी गुरुवार को हम लोग हटिया लगाने जा रहे हैं और हमारी उस हटिया में स्वच्छ वातावरण और दुर्गा स्थान भी है, हॉस्पिटल भी है, जवाहर नवोदय विद्यालय भी हैं, हाई स्कूल भी हैं, टूरिस्ट जगह डैम भी हैं जो कि सभी लोग देखते हैं, और हमारे कटुरिया प्रखंड से भी वहाँ से आते हैं जो कि लक्ष्मीपुर गाँव पड़ता है, कालीगढ़ी भुटिया पड़ता है, लीलकुंज पड़ता है, रंगापतर पड़ता है, कोल्हासर पड़ता है, कानीवेल पड़ता है, दिगीवन पड़ता है। ये सब सभी ग्रामीण लोग आते थे पहले, और अब फिर से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कटुरिया से सभी लोग आए और हमारे सांवडर पंचायत के जनता में, बौसी प्रखंड के जनता में, सभी तरह व्यापारी के रूप में जो भी कार्य करते हैं, जो साग सब्जी बेचते हैं या सभी खरीद बिक्री करते हैं, सब लोग उपस्थित होकर इस 17 तारीख को गुरुवार को आके हटिया बढ़िया से लगाने का काम करेंगे हम लोग, और सब चीज़ का सुविधा दिया जाएगा जो कि पुलिस प्रशासन के जरिए भी जो भी मामला है हम लोग कह के व्यापारी या जो भी के मैंने आने जाना करता है उसको सुविधा दिया जाएगा। जंगल से डरने की कोई काम नहीं है, कि हम लोग सब लगल रहे हैं और सब चाहते हैं कि हटिया हम लोगों को लगे। ये बहुत बढ़िया स्थल है, डैम जो है इतना बढ़िया स्थल है, मैंने बोलने की बातें नहीं, इस तरह स्वच्छ वातावरण वाला जगह कहाँ है। इसलिए मैं सभी ग्रामवासियों और सभी जनता से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग 17 तारीख गुरुवार को आकर डैम हटिया को सफल बनाने का काम करें। आराम एकत्रित हुए हैं आज। देखिए लोकल हटिया उस तरह का नहीं था, और नज़दीक में 4-5 किलोमीटर के अथी में रेंज में हटिया है नहीं कोनो, और डैम हटिया जो बहुत अच्छा से लगता भी था, और वहाँ का साग सब्जी दुनिया जान सब चीज़ मैंने रोड पर है तो सब्जी खरीदने बेचने में अच्छा होता था। नवोदय विद्यालय है बगल में, सब स्कूल है, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, नवोदय विद्यालय, बाजार सब है चांदन डैम में। ये हाट आज लगा रहे हैं आप लोग, शुरुआत कर रहे हैं या पहले भी कभी होता था? नहीं, पहले से था, 1993 के बाद जो है सो मैंने शिव प्रसाद यादव का जो मर्डर हुआ उसके बाद से 1-8 साल लगा हल्का फल्का करके धीरे खत्म हो गया। फिर हम लोग लगाना चाह रहे हैं, मतलब मेला फिर से लगाना चाहते हैं। हाट का ये मेला दुर्गा मंदिर भी वहाँ है, मेला भी लगता है, मेला भी लगता है, अच्छा मेला लगता है। नाम हुआ विनोद कुमार शाह, हम लोग सभी ग्रामीण अपने गांव में चंदन डैम में हाट लगाने के लिए जा रहे हैं।
इसलिए हम अपने बौसी प्रखंड के तमाम किसान भाइयों से, सब्जी विक्रेता से, जो किसी प्रकार का रोजगार संबंधी सामान बेचते हैं, वो हमारे लक्ष्मीपुर डैम गुरुवार 17 तारीख से हटिया को हम लोग लगवा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बेचने के लिए आप लोग को रोजगार मिल रहा है वहाँ के लोगों को। वहाँ हम लोग का विद्यालय है, हाई स्कूल है, नवोदय विद्यालय, सबको सब्जी वगैरह खरीदने में परेशानी होती है, आपका भी दो पैसा की इनकम होगा, प्लस हम लोग को परेशानी दूर होगी। सप्ताह में कितने दिन? सप्ताह में दो दिन, एतवार गुरुवार और रविवार को। गुरुवार गुरुवार रविवार का लगा रहे हैं। इसलिए हम तमाम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे, अपने गांव इलाके के लोगों से अनुरोध करेंगे कि हाट में आवें, सब्जी बेचें, और हम लोग जहां तक होगा कोई हाट में क्याली नहीं लगेगा, और जहां तक होगा हम लोग पूरा डैम वाला सहयोग करेंगे। किसी को कोई सामान रखने का परेशानी भी होगा, उसका सामान हम लोग अपने घर में सुरक्षित रखेंगे, ताकि वो अगले हस्तिया में सामान को फिर निकाल के बेच ले।